नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के एमए एमएससी एमकॉम के 2020 के टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों, जो अपडेट निकल कर आ रही है, मैं आपको पूरा यहां पर दोस्तों डिटेल में बताने वाला हूं कि आपका जो दोस्तों टाइम टेबल 5 मार्च तक आने वाला था, वो भी 5 मार्च तक क्यों नहीं आया, और दोस्तों अब आपका टाइम टेबल कब होगा, और एग्जाम डेट तो दोस्तों 2 अप्रैल फिक्स ही है ना। पूरी जानकारी दूंगा, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही वह सटीक न्यूज। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के जो दोस्तों एग्जाम है वो 2 अप्रैल को ही होने वाले हैं। यह बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी और यह बात मैं कह रहा हूं दोस्तों 101% सही है। आपके एमए हो चाहे एमएससी हो चाहे एमकॉम हो, आपके दोस्तों जो एग्जाम है वो 2 अप्रैल को ही स्टार्ट होंगे। और दूसरी बात दोस्तों, टाइम टेबल की बात थी तो मैंने कहा था कि 2 मार्च को आपके टाइम टेबल आ जाएंगे, और यदि 2 मार्च को टाइम टेबल नहीं आते हैं तो 5 मार्च तक 100% आ जाए। मैं बात ये दोस्तों स्वीकार कर रहा हूं और कह रहा हूं कि आपके टाइम टेबल है वो 2 मार्च तक ही आ जाने चाहिए थी, क्योंकि दोस्तों कोई भी यूनिवर्सिटी है वो लगभग 30 दिन पहले अपने टाइम टेबल है वो जारी कर देती है। ऐसा बहुत ही कम बार, रेयर चांस होता है जब टाइम टेबल 30 दिन से पहले एमजीएससी जारी करता है, लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा हो गया है। तो अब मैं आपको बता दूं कि टाइम टेबल आपका कब आने वाला है, इतनी देरी क्यों हुई है। दोस्तों, देरी का कारण ये है कि जो अभी हमारे कुलपति हैं, जो कुलपति बने हैं दोस्तों, एक और विश्वविद्यालय यानी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के भी कुलपति है, यहाँ के तो दोस्तों वो कार्यवाहक कुलपति बने हैं, तो उनको दोस्तों अंतिम रूप है वो टाइम टेबल का वो ही देते हैं, तो उन्होंने दोस्तों अभी तक अंतिम रूप नहीं दिए। तो अब यदि टाइम टेबल की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका टाइम टेबल है दोस्तों 12 मार्च से पहले पहले 100% जारी हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो दोस्तों आज या कल भी जारी हो सकता है, लेकिन होली की छुट्टी आने के कारण दोस्तों टाइम टेबल हो सकता है 12 मार्च तक जारी हो जाए। मैंने विश्वविद्यालय से भी कॉन्टेक्ट किया है दोस्तों, विश्वविद्यालय से मुझे क्या न्यूज़ मिली है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ एक बार दोस्तों, उसे आप जरूर सुन लें। जी सर, अमरजीत सिंह से बोल रहे हैं क्या आप? हाँ सर, पूछ रहा था अम्मे के टाइम टेबल कब तक आएंगे? 1-2 दिन में आ जाएंगे वेबसाइट में। और सर मतलब एग्जाम 2 अप्रैल से ही है क्या? हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ये दोस्तों आपने सुना अपने टाइम टेबल और एग्जाम डेट के बारे में, एमजीएसयू ने खुद कहा है कि जो टाइम टेबल है वो 1-2 दिन में आ जाएंगे, और एग्जाम डेट दोस्तों 2 अप्रैल कन्फर्म है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा दोस्तों, जितना आप धैर्य रखेंगे उतना ही दोस्तों फायदा होगा। और मैं बता दूं, धैर्य का फल हमेशा ही मीठा होता है। आपके पेपर आपके हिसाब से दोस्तों टाइम टेबल सेट होगा, टेंशन मत लीजिए। आपका दोस्तों टाइम टेबल से संबंधित कोई भी न्यू अपडेट हमारे पास निकल कर आती है तो हम आपके पास दोस्तों सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे, चाहे टाइम टेबल दोस्तों जारी हो या फिर जारी होने की खबर यदि पुष्टि हो जाती है तो उस बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों आप तसल्ली रखिए, हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यह बात दोस्तों मैं कन्फर्म कह रहा हूं कि आप तक टाइम टेबल की खबर, हमारा प्रयास यही है कि हम सबसे पहले सही व सटीक रूप से पहुंचाएं। लेकिन दोस्तों थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, आप ये कमेंट करने लग जाते हैं कि भाई 5 मार्च तक कहा था, क्या हुआ 5 मार्च चला गया, आज 6 मार्च हो गई, 7 मार्च हो गई। दोस्तों वो मुझे भी पता है कि मैंने 5 मार्च बताया था, लेकिन आज 6 मार्च नहीं 7 मार्च हो चुकी है। लेकिन दोस्तों क्या कर सकते हैं, ये विश्वविद्यालय का कार्य, हम तो विश्वविद्यालय के जो पिछले 3 साल 5 साल या 6 साल के दोस्तों जो टाइम टेबल वो जारी करता है उस हिसाब से बताते हैं, बाकी तो दोस्तों जो विश्वविद्यालय के ऑफिशियल होते हैं वो ही बता सकते हैं। विश्वविद्यालय में बैठे भी दोस्तों कई बंदे वो नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने टाइम टेबल तैयार किया हुआ होता है लेकिन कुलपति के सिग्नेचर नहीं होते, कुलपति अंतिम रूप नहीं देते, परीक्षा नियंत्रक उसे अंतिम रूप जब तक नहीं दे देते दोस्तों टाइम टेबल जारी नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं टाइम टेबल दोस्तों 7 तारीख को आज शाम को भी जारी हो सकता है, 8 को भी जारी हो सकता है, और 7 और 8 को यदि जारी नहीं हो पाया तो दोस्तों 12 तारीख से पहले पहले आपका टाइम टेबल जारी हो जाएगा। आप अपनी तैयारी स्टार्ट रखें, क्योंकि ये तो कन्फर्म है दोस्तों की जो आपके एग्जाम है वो 2 अप्रैल 2020 से, चाहे एमए हो चाहे एमएससी हो चाहे एमकॉम हो चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट हो, सभी के दोस्तों है वो जारी हो जाएंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं यहां पर कि BA Part 3, BCA और BBA के टाइम टेबल में परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां जाकर आप दोस्तों अपना नया टाइम टेबल देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, एमजीएसयू से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को। मैं हूं ऋतिक बोथरा, वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।